हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल तम्मोज किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। आज फिर एक नई रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप सभी के साथ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, रेसिपी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और आज मैं शेयर करूँगी चिली पनीर। पनीर ली हूँ मैं 1/2 किलो, 250 ग्राम। आप देख सकते हैं मैं मीडियम साइज़ की क्यूब्स की हूँ, ना ज़्यादा बड़े और ना ज़्यादा छोटे। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून फुल भरकर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ये कॉर्नफ्लावर है 3 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून फुल भरकर ली हूँ मैं मैदा। सबसे पहले हम मैदा, कॉर्नफ्लावर, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर लेंगे हम। ज़्यादा तीखी नहीं होती और कलर बहुत अच्छा आता है इससे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें 1/2 टीस्पून नमक और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। चिली पनीर बनाते समय हम पनीर के लिए कोटिंग कर रहे हैं और हम इसमें पानी बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे। इसकी कोटिंग इतनी बढ़िया होगी, आप देखिए। एकदम अच्छे से मिला ली हूँ मैं। अब डालेंगे इसमें पनीर। आहिस्ता आहिस्ता हम प्लेट को हिलाएंगे, पनीर पे अपने आप हो जाएगी कोटिंग। और जो साइड से नहीं लगा है हम हल्के हाथों से मिला लेंगे। अब देखिए सारे पनीर पे लग गई है हमारे कोटिंग। अब इसे हम रख देंगे 15 मिनट के लिए। ये लियो मैं रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून फुल भर कर लियो मैं गार्लिक और 1 टेबल स्पून ही लियो मैं जिंजर। यहाँ पर लियो मैं प्याज। प्याज को हमने बड़े टुकड़ों में कट किए हैं। शिमला मिर्च को भी उतने ही बड़े टुकड़ों में कट की हूँ मैं। मीडियम साइज़ की एक शिमला मिर्च ली हूँ और मीडियम साइज़ की ही एक प्याज ली हूँ मैं। और स्प्रिंग अनियन ली हूँ ज़रा सी। और ये ली हूँ मैं अरारूट का आटा। और यहाँ पर ली हूँ मैं रेड चिली सॉस, विनेगर, वाइट विनेगर ली हूँ और डार्क सोया सॉस। अगर आपके पास रेड चिली सॉस और विनेगर नहीं है, आप वहाँ पर सेजवान चटनी का इस्तेमाल करिए। मैं तेल रखी हूँ गरम, और तेल हमारा गरम हो गया है। अब उसमें हम डाल रहे हैं पनीर और हम रखेंगे फ्लेम मीडियम। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे पनीर को हम। और आप देख सकते हैं हमारा पनीर अच्छे से फ्राई होने लगा है और माशाल्लाह कलर भी अच्छा आने लगा है। डालते के साथ आप पलटी मत करिए, थोड़ा उसे फ्राई होने दीजिए और फिर एक चेक करिए पलटा कर। पनीर का हल्का सा कलर चेंज हो गया होगा तो पलटी कर दीजिए। और आप देख सकते हैं हमारा कोई पनीर तले पे चिपका नहीं था और हमारे पनीर पे कोटिंग बहुत अच्छी हुई है। क्रिस्पी दिख रहा है हमारा पनीर, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। अब हम निकाल लेंगे, हमारा पनीर अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे मैं झारा में निकालूंगी। झारा में निकालने से तेल भी निथर जाएगा। उसी कढ़ाई में हम डालेंगे तेल, बड़े चम्मच से 1 चम्मच डालिए। तेल को अच्छे से गर्म होने दीजिए, फिर डाल दीजिए जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ। आप जब भी कोई चाइनीज़ डिश बनाओ जिंजर गार्लिक पेस्ट नहीं डालिए, चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक का ही इस्तेमाल करिए। जिंजर गार्लिक को 1 मिनट फ्राई करेंगे, फिर उसमें डालेंगे खड़ी कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च की मैं स्लाइस की हूँ। अब हम डालेंगे शिमला मिर्च और प्याज। शिमला मिर्च और प्याज डालकर सिर्फ 1 मिनट फ्राई करना है हाई फ्लेम पे। हल्का सा सोते होने देंगे हम शिमला मिर्च और प्याज को, ज़्यादा पकाना नहीं है। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ली हूँ मैं 1 टेबल स्पून। उसमें हम विनेगर डाल देंगे 1 टेबल स्पून। ज़्यादा मत डालिए, ज़्यादा डालेंगे तो खट्टा फ्लेवर आएगा। एकदम अच्छे से मिला लीजिए। और ये हमारी प्याज और शिमला मिर्च फ्राई हो गई है, 1 मिनट हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे रेड चिली सॉस, 1 टेबल स्पून ही डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। हमने यहाँ पर रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है, कश्मीरी रेड चिली पाउडर का, उससे कलर अच्छा आता है। अब उसी में हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस। एकदम अच्छे से मिला लीजिए। अब डालेंगे हम इसमें रेड चिली
डार्क सोया सॉस और विनेगर जो हमने मिलाकर रखे हैं, इसमें रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर का ही इस्तेमाल करिए। कश्मीरी रेड चिली पाउडर से कलर बहुत अच्छा आता है। अब डाल देंगे हम अरारूट में आधा बाउल पानी और अच्छे से मिला लेंगे। 1 टेबल स्पून फुल भर कर ली हूँ सिर्फ मैं अरारूट। अब डाल देंगे इसमें धीरे धीरे करके अरारूट का आटा और चम्मच को चलाते रहेंगे। अब हमारा बैटर ठीक है, हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। अभी मैं इसमें आधा बाउल पानी डालूंगी और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम ऐड कर देंगे नमक और यहाँ पर मैं ज़रा सा डालूंगी इसमें अजीनोमोटो। अगर आपके पास है तो डालिए वरना स्किप कर दीजिए। अच्छे से मिला लेंगे, हम नमक ऐड कर देंगे इसमें। जैसे बबल्स आने लगेंगे, ग्रेवी पकने लगेगी, तब ऐड करना है इसमें पनीर। और अच्छे से मिला लीजिए पनीर को ग्रेवी में। पनीर ऐड कर कर हम 1.5 से 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारे पनीर चिली का कलर देखिए, बिल्कुल उसी तरह दिख रहा है जिस तरह से रेस्टोरेंट में मिलता है। फ्रेंड्स, आपको अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। नमक डाल रही हूँ मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब ज़रा सी स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और कढ़ाई को उतार देंगे और डिश आउट करेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल देख रहे हैं और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। मुझे आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है। और अब मैं कर रही हूँ इसे डिश आउट। माशाल्लाह, पनीर चिली का आप कलर देखिए, लुक देखिए इसका, और इसका टेस्ट भी बनाकर एक बार टेस्ट करिए। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और इस पे हम डाल देंगे ज़रा सी स्प्रिंग अनियन। फ्रेंड्स, आपने अगर वीडियो देखा है तो लाइक ज़रूर करिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। इंशाल्लाह कल फिर मैं मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।